और आज के इस एपिसोड में टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील को डिस्कशन का जो मुख्य कारण ये है कि कल ये स्टॉक अपना Q1 का नंबर डिक्लेयर करेगी, और Q1 के नंबर से पहले देखें तो निफ्टी स्ट्रांग ही दिख रहा है, सेंसेक्स बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है, मतलब पूरे इंडाइसेस पूरे बाजार ही अप ट्रेंड में है। तो टाटा स्टील के Q1 के नंबर से पहले प्रीवियस क्वार्टर नंबर को समझें, तो एपिसोड में लास्ट तक बने रहें, प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। टाटा स्टील के जो पिछले क्वार्टर का नंबर रहा था, यहाँ देखेंगे तो वो नंबर काफ़ी बेहतर नहीं रहा था। मार्च के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यू गिरता दिखा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेटर था। प्रॉफिटेबिलिटी भी घटती दिखी, इसका दो कारण है, पहला तो हायर टैक्सेशन रहा था और दूसरा अदर इनकम का बड़ा डिफरेंस रहा था, यहाँ देखेंगे तो ये सब कारण रहे थे। लेकिन उसके बाद भी अगर टाटा स्टील में अगर टेक्निकल अगर देखा जाए तो टाटा स्टील ने मतलब 6 मंथ के ट्रेंड को देखेंगे, मार्च अप्रैल मई जून यही मार्च के आसपास से देखेंगे तो स्टॉक देखें तो प्रीवियस क्वार्टर के बाद का जो ट्रेंड है वो ठीक ठाक रहा है। ऐसा नहीं है कि नंबर्स वीक के बाद भी जो ट्रेंड रहा वो काफी बेटर करा है, इस समय ट्रेंड थोड़े वीक दिख रहे हैं, तो उसको टेक्निकली मैं दिखाऊं। इससे पहले देखेंगे 31 जुलाई यानी कल इसके क्वार्टरली नंबर्स आने हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट नंबर आना है। इससे पहले की जो डिलीवरी रही है वो तो बेटर रहा है, लेकिन ट्रेंड काफी वीक रहा है पास्ट 3 मंथ में, और इस समय ट्रेंड कल के क्वार्टरली नंबर्स के बाद ही दिखेगा। हालांकि ये सेक्टर भी देखें तो जो ये कंसोलिडेट जोन था वो कंसोलिडेट जोन ब्रेकडाउन हो गया, ट्रेंड रिवर्स तो दिख रहा है लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर टाटा स्टील में देखें तो टाटा स्टील एक डाउन ट्रेंड तो हो चुका है 184 से लेकर के 154 का, अब अगर फ्रेश शॉर्ट करते हैं तो 152 के नीचे ही करेंगे, क्योंकि यहां से थोड़ा रिवर्सल और कंसोलिडेट और इस प्रकार का ये लोअर लो लोअर हाई चैनल बना सकता है, तो शॉर्ट 152 के नीचे ही मुझे बेहतर लगेगा और लॉन्ग 174 के ऊपर। ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन में अप्स या डाउन का एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए।